सेंटेंस के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें यदि आप अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड और प्रूवेबल बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, जैसे कि ये वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके जिम्मेदार तुम हो। हम कहते हैं ना, इसके जिम्मेदार तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो क्या बोलेंगे? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसके जिम्मेदार तुम हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने की कोई बात नहीं है। ये हम कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति परेशान हो, बहुत टेंशन में हो और हम उसको सिंपथी दे रहे हूँ, मतलब सहानुभूति दे रहे हूँ, समझा रहे हूँ, तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यदि हमें कहीं जाना है और हमारी कोई फ्रेंड्स आने वाली है और हम उनका वेट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट है, व्हाई आर यू लेट, तुम्हें देर क्यों हुई? व्हाई आर यू लेट, या तुम देरी से क्यों आए या क्यों आई, ये दोनों मेल फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो, नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा। अब ये हम कब बोल सकते हैं? यदि हम कोई चीज खा रहे हो, ठीक है ना, कोई भी भोजन कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज हो, या हम कहीं डिनर पर गए हो, कोई किसी ने हमको निमंत्रण दिया हो, इनविटेशन दिया हो, तो वो हमको और ज्यादा सर्व किए जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज टू मच, ये बहुत ज्यादा है। और ये हम तब भी बोल सकते हैं जब कोई व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तब भी हम इस सेंटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। आपने जनरली सुना होगा, बोलते हैं ना, दिस इज टू मच, अब बहुत ज्यादा हुआ। नेक्स्ट है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लो। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लो, ये बोलना है। क्या लिखा है इसमें? थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोच लो। नेक्स्ट है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इज दिस योर फाइनल डिसीजन, मतलब ये तुम्हारा क्या आखिरी फैसला है? नेक्स्ट, लर्न टू टॉक टू एल्डर्स, बड़ों से बात करना सीखो। लर्न टू टॉक टू एल्डर्स, एल्डर्स मतलब बड़े, अपने से जो बड़े हैं उनसे बात करना सीखो। ये हम कब सिखाते हैं? बच्चों को सिखाते हैं, जब हम बच्चों को मैनर्स सिखा रहे होते हैं तो हम वहाँ ये सेंटेंस को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु सेज दैट यू आर मैड, कौन कहता है कि तुम पागल हो? हु सेज दैट यू आर मैड, कौन कहता है कि तुम पागल हो? नेक्स्ट है, आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, मैं यह यूं ही पूछ रहा था। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, या मैं ये यूं ही पूछ रहा था, हम कभी कभी कहते हैं ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तो आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज अ हार्ड हार्टेड पर्सन, वे बड़ा पत्थर दिल है, मतलब बहुत कठोर इंसान है, बहुत ज्यादा कठोर व्यक्ति है, बहुत कठोर हृदय वाला व्यक्ति है, ये सब बोल सकते हैं। He is hard-hearted person, वे बड़ा पत्थर दिल है। Next है, who is standing at the door, दरवाजे पर कौन खड़ा है? Who is standing at the door, ये हम कब बोलेंगे? यदि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, दरवाजे को बजा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? Who is standing at the door, या ऐसा भी बोल सकते हैं, look who is स्टैंडिंग एट द डोर, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ का मतलब होता है अपने आप पर, ठीक है ना। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म आती है, ये हम कब बोलते हैं? यदि बाय मिस्टेक हमसे कोई मिस्टेक, मतलब गलती हो जाती है और हम उस पर बहुत ज्यादा एम्बैरस्ड फील कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म आती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल, वर्थ वाइल मतलब होता है फायदे का सौदा। इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फायदे का सौदा नहीं है। नेक्स्ट आज का हमारा जो है लास्ट सेंटेंस है आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ या मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ या रहती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए आप ये सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देता हूँ। सो आई विल आई होप सो आपने इन सारे सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड किया होगा एंड आई होप सो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे एंड सो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन अवर लेटेस्ट अपलोड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।